मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई है। यही वजह है कि सभी समाजों के सम्मेलन कर उनकी मांगों पर चर्चा की जा रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पान उत्पादक एवं व्यवसाय प्रकोष्ठ के चौरसिया तंबोली प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में समाज ने कमलनाथ के सामने समाज को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग रखी। वहीं इस मौके पर चौरसिया समाज के कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामकर चुनाव में हर संभव मदद करने की बात कही। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। तीन चार सौ लोग सुबह मुझे मिलने आ जाते हैं और सबसे मिलना पड़ता है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, चार महीने में चुनाव है, ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं, केवल किसी पार्टी का नहीं, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। आपने अपनी मांगे रखी, मेरे साथ चिंता मत करिएगा, आप सबने इसकी इतनी निष्ठा से कांग्रेस का साथ दिया और मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं कि ये जो मांगे, बहुत सारी मांगे रखी है, बहुत सारी तो बहुत साधारण मांगे है और मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। अगर इसमें कोई कमी हुई मुझे मत बोलिएगा, इन नेताओं के कपड़े पाड़िएगा। मैं बता रहा था कि हमारे प्रदेश की तस्वीर आज आप सबके सामने, हर वर्ग परेशान है, आपका जनसंपर्क है सबसे ज्यादा, तो आपके पेशा का जनसंपर्क, आप खेती करते हैं या पान की दुकान चलाते हैं, जनसंपर्क आपका सबसे ज्यादा, आप जनता की बात सुनते हैं और अपनी बात भी सुनाते हैं। जब हर वर्ग परेशान है, सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है, बेरोजगार नौजवान, हमारे बुजुर्गों की दुनिया को तोड़ती, आज हमारे नौजवानों की दुनिया को तोड़ती, यह हमें समझना पड़ेगा। आज का नौजवान, पहले तो आपकी दुकान में भी बैठने को तैयार था, अब दुकान में बैठने का कुछ और काम करना चाहता है, पर उसमें जो तड़प है कि कोई और व्यवसाय करे, अपने हाथों को काम मिले, ये आज नौजवानों में तड़प है। खेती में नौजवान जुड़ जाते थे, आज खेती में नहीं जुड़ने को तैयार, ये हमें आज नौजवान, आज के नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, उसकी पीड़ा नहीं समझ में, ये नौजवान जो निर्माण करेंगे भविष्य का, अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ी चुनौती यह है हमारे प्रदेश की, कृषि क्षेत्र की तो है, कृषि क्षेत्र की मुझे चिंता नहीं है, कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई, और जब क्रांति आती है हमारे किसानों की जेब में, कोई भी किसान उसके जेब में पैसा होता है तभी तो किराने की दुकान गांव में चलती है, तभी तो ये बाजार चलते हैं, तभी तो उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, तभी वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आज हमने शुरुआत करी, 15 महीने हमारी सरकार रही, जिसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, एक शुरुआत करी थी, मध्य प्रदेश की पहचान बनी, मध्य प्रदेश की पहचान मिले बने, विश्वास की पहचान बने, जिस विश्वास से निवेश आएगा, बिना निवेश किए कोई रोजगार के मौके नहीं बनते, एक उद्योग लगता है आर्थिक गतिविधि बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, आर्थिक गतिविधि होती है। आपका जो पेशा एक बार पान की दुकान चलाते हैं, आपकी गिनती जीडीपी में नहीं आती, पर आपकी गिनती आर्थिक गतिविधि में आती है, आप आर्थिक गतिविधि के भागीदार हैं।
और ये आर्थिक गतिविधि कर रही है, ये बहुत आवश्यक है। क्या मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि कैसे बने? आज कृषि क्षेत्र बीज आप देखते हैं, बीज खाद के लिए कैसे भटकना पड़ा, हमारे कार्यकाल में ये सब नहीं था। क्रांति शुरू की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में, आगे भी करेंगे। पर सौदा हुआ हमारी सरकार ने, मैं मुख्यमंत्री था मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने तय किया कि मैं सौदा कर कर कुर्सी पर नहीं बैठ गया। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करता, और ये सरकार का भी उदाहरण है। ये मैंने फैसला किया, तो आज आप सब समझदार, आप सब व्यापार से जुड़े हैं, खेत से भी जुड़े हैं, आप सब समझदार, आपको रक्षक बनना है, भविष्य के रक्षक बनना है। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है भ्रष्टाचार की, नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसी व्यवस्था बनानी, पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन हो पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिख पा, सही बात है ना? ये राजा बात है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। और तो ये जानते हैं 4 महीने बचे, जितना और हो सकता है कर लो, जितना और समझ सकते हो कर लो, बड़े बड़े ठेके देने की तैयारी कर, बड़े बड़े ठेके देंगे कि एडवांस देके कमीशन निकाल दो। ये आज हालात है, इनको भविष्य की कोई चिंता नहीं। शिवराज सिंह जी ने 22,000 घोषणाएं करी और अभी जो रोज घोषणा कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है, इनको बहने याद आ गई, इनको संविधान याद आ गई, इनको आउटसोर्स वाले याद आ गए। तभी कहते हैं मैं आपको जूता दूंगा, मैं देख रहा था कि आप नंगे पैर ना चले, सुना कहता टीवी में, माता को चप्पल दूंगा, छाता दूंगा, ये सोचते हैं कि हम खरीद सकते हैं, और ये जानते नहीं कि मध्य प्रदेश के मतदाता दिखाऊ नहीं है, दिखाऊ नहीं है, मैं फिर से जाता हूं ले लो, पर आप दिखाऊ नहीं, अभी तो ये सब कुछ करेंगे, रोज घोषणा करेंगे, इनकी घोषणा मशीन तो आजकल डबल स्पीड में चल रही है, इनका मोदी डबल स्पीड में चल रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें सही पहचान गई। ये कलाकारी की राजनीति बहुत होती है, ये कलाकारी से प्रदेश नहीं चल सकता, मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है, ये हमें समझ नहीं। तो मैं हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।